हमारे विद्यालय के तहत गतिविधि क्रमांक आओ करें और सीखें 120 आओ पैटर्न बनाएं। पिछली कक्षा में गतिविधि क्रमांक 119 में भी पैटर्न बनाना सीखा था, उसी पैटर्न को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो लीजिए आ जाइए प्रिय विद्यार्थियों, इन्हें भी आगे बढ़ाओ। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में गतिविधि क्रमांक 120 पृष्ठ क्रमांक 122 पर ये आपको दिख रही होगी, जिसमें आपको इन्हें भी आगे बढ़ाइए। तो लीजिए आगे आ जाइए प्यारे। आपको सबसे पहले यह हमारा खड़ी रेखा में क्रम टाइप है, उसके बाद इसको ऐसे घुमाया गया, ये खड़े में हो गई, ये आड़े में थी और फिर आड़े में आ गई। अब हमें आगे बढ़ाना है तो देखिए हमें पुनः से खड़े में हो जाएगी ये और फिर हमारी आड़े में हो जाएगी और फिर हो जाएगी खड़े में। इस तरह से ये हमारा पैटर्न आगे जाएगा। यहां देखिए ये त्रिभुज है और एक ये चित्र यानी मौका बना हुआ है, फिर त्रिभुज है, तो निश्चित है अगला पैटर्न हमारा इसी प्रकार ये हमारे फेस का होगा। ऐसे ही फिर त्रिभुज होगा और फिर हमारा जो अगला पैटर्न होगा वो फेस का होगा। तो इस तरह से ही हमारा पैटर्न बनेगा। अब आ जाइए तीसरे में, ये हमारी देखिए चतुर्भुज आकार की आकृति है, फिर गोले के अंदर गोला है, फिर तो यहाँ भी गोले के अंदर गोला ही आएगा, तो पैटर्न हमारा स्पष्ट हो चुका है। इसी प्रकार फिर यहाँ और फिर यहाँ गोले के अंदर गोला। अब यहाँ आ जाइए, ये चतुर्भुज फिर गोला फिर या सर्किल कहें या इसे पृथ्वी कह सकते हैं। तो देखिए हमें आकृति का ध्यान देना है, ये गलत बन गया है या सही बताएं विद्यार्थी कोई। सही है, गलत बन गया है। गलत बन गया है तो क्या होगा इसके आगे? सर यहाँ सर्कल बनेगा। सर्कल बनेगा राइट। तो यहाँ अपन इसको हटाते हैं और यहाँ सर्किल बनाते हैं। देखिए इसके बाद फिर हमारा और फिर सर्किल यानी गोला। इसी प्रकार से यहाँ चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है, यानी फिर यहाँ हमारा क्या होगा? त्रिभुज। वेरी गुड। और यहाँ फिर हमारा होगा चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज। वेरी गुड। फिर हमारा यह होगा त्रिभुज। त्रिभुज ट्रायंगल। इस तरह से ये पैटर्न हमारा पूरा होता है। अब आगे हमें कुछ पैटर्न स्वयं बनाना है, तो लीजिए आ जाइए प्यारे बच्चों, यहां दी गई जगह में तुम पैटर्न अपने आप बनाओ। अब यहां आपको स्वयं अपने कुछ पैटर्न बनाना है और आगे बढ़ाना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो बना के बता रहा हूं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में अपने आप निर्माण करेंगे और स्वयं बना के उसे अपने दोस्तों की सहायता से
आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए आ जाइए, देखिए यहां मैंने पहले पैटर्न में गोला बनाया, उसके बाद स्टार बनाया और अगले उसमें मैंने यहां एक त्रिभुज बनाया। अब आपको अगला पैटर्न इसी प्रकार से बढ़ाना है। यहां मैंने दो लिखे, उसके बाद चार, छह, यहां आपको अगला पैटर्न बनाना है। उदाहरण के लिए यहां मैंने अगले पैटर्न में एक और पैटर्न का निर्माण किया, जिसमें मैंने बनाया स्टार, स्टार, स्टार। अब आपको अगले तीन पैटर्न अपनी दोस्तों की सहायता से बनाना है। यहां मैंने एक और उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, मैंने पहला पैटर्न बनाया दूसरे में मैंने बनाया तीसरे में मैंने बनाया अगले आपको पैटर्न बनाना है। अपने दोस्तों की सहायता से आप अपने दिमाग से और भी पैटर्न बना सकते हैं।